नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास नाइन्थ से है और ये क्वेश्चन जो है बहुपद के गुणनखंड से है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ए के बराबर 6 + 5 AQ + 8 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला गया है कि इस बहुपद का जो है क्या करना है, तो गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए हल, यहाँ देखिए जैसे कि हमें जो है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसको जो है लिख लेते हैं। देखिए ए क्यू बराबर 6 + 5 AQ + 8, यहाँ देखिए इसको जो है हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो द्वितीय क्या हुआ 6 होगा। इसको लिखेंगे यहाँ देखिए -AQ + 6AQ + 6AQ - AQ क्या होगा 5AQ, और इसको लिखेंगे 2 का क्यूब। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर का क्यू, ये होगा प्लस माइनस ए का क्यू, इसको लिखेंगे प्लस 2 का क्यू जो लिखा हुआ है पहले से ही, और ये माइनस होगा यहाँ देखिए 3 × a² - -a² 2। यहाँ देखिए इसको जो है हम सजाए हैं AQ + BQ + CQ - 3ABC के रूप में, जो बराबर होता है किसके, तो a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca के बराबर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर क्यू क्या होगा, तो 1/6 होगा। अब जो है इसके लिए देखिए क्या है, तो -a का क्यू, तो -a का जो क्यू होता है वो होता है बराबर -a के क्यू के बराबर होता है, -a का क्यू बराबर होता है -a के ऊपर क्यू के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर होगा 3 × a होगा -a × -a × -a, तो -± + × - क्या होगा माइनस, और a × a × a क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो इसीलिए जो है आप लिखे हैं कि +− a का क्यू, और +± क्या होगा माइनस होगा, और 1 का क्यू, और ये 2 का क्यू 8 होगा, और इसी को सेटअप किए हैं यहाँ देखिए -3abc के रूप में, तो -3 × a क्या होगा, तो a² होगा, b क्या होगा, तो -a, और c क्या होगा, तो 2 होगा। अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे a² + -a + 2, किस लिए लिखे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि aq + bq + cq - 3abc बराबर होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो पहले क्या किए हैं, तो पहले हम लिखे हैं a + b + c। अब यहाँ देखिए इंटू फॉर्मूला में क्या है a², तो होगा a² का स्क्वायर। यहां देखिए +b² तो क्या होगा -a का स्क्वायर होगा, +c² तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। इसके बाद है -ab फॉर्मूला में, तो क्या होगा a² × -a, तो आप लिखेंगे -a² × -a। फिर क्या है, तो -bc है, बी क्या है, तो बी जो है -a है, तो -a × c क्या है, तो 2 है। इसके बाद है -ca, तो -c क्या है, तो c जो है 2 है, और a क्या है, तो a², तो क्या होगा 2a² कोस्ट क्लोज। अब यहां देखिए a² + -a + 2, यहां देखिए ये क्या होगा, तो 1/4 होगा, ये होगा -a² क्या होगा +a², 2 × 2 = 4, यहां देखिए -± + a³, फिर ये होगा -± + 2a - 2a² कोस्ट क्लोज। यहाँ देखिए a² - a + 2 × होगा 1/4, यहाँ पर क्या है, तो +a³, तो लिखेंगे +a³। इसके बाद जो है ये जो है a² है, और यहाँ पर है -2a², तो क्या होगा -a², क्योंकि -2a² और +a² क्या होगा, तो -a² होगा +2a + 4, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।